कोहरे और मौसम की वजह से फ्लाइट्स चल रही देरी से। 4 दिनों में 650 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ी देरी से या कर दी गई कैंसिल। पैसेंजर्स में इसको लेकर देखी गई नाराजगी। कल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट 13 घंटे लेट थी। इसी दौरान पायलट के अनाउंसमेंट करने पर एक पैसेंजर ने उसे थप्पड़ मार दिया। वहीं रविवार को इंडिगो की गोवा से दिल्ली जा रही फ्लाइट 12 घंटे देरी से उड़ी और फ्लाइट को दिल्ली जाने के बजाय मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे पैसेंजर्स का गुस्सा और बढ़ गया। जब पैसेंजर्स को मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने को कहा गया तो उन्होंने टर्मिनल बिल्डिंग की ओर जाने से इनकार कर दिया और विमान से उतरकर एयरक्राफ्ट पार्किंग में ही बैठकर खाना खाने लगे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऐसे में पैसेंजर्स की परेशानियों को देखते हुए द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने विमान कंपनियों के लिए नई SOP जारी की, जिसके नियम है अगर फ्लाइट में डीले हो रहा है तो एयरलाइन को पैसेंजर्स को नाश्ता उपलब्ध कराना होगा। वहीं अगर फ्लाइट में 6 घंटे से अधिक की देरी होती है तो DGCA एयरलाइन को डिपार्चर टाइम से 24 घंटे पहले पैसेंजर को अलर्ट करना होता है। इस मामले में यात्री के पास पूरा रिफंड या दूसरी फ्लाइट में सीट मांगने का ऑप्शन होता है और साथ ही अगर फ्लाइट में 6 घंटे से अधिक की देरी होती है और यह रात 8 बजे से सुबह 3 बजे के बीच उड़ान भरने वाली है तो यात्री के रुकने की मुफ्त व्यवस्था करनी होती है। अगर एयरलाइन 24 घंटे पहले यात्री को फ्लाइट कैंसिलेशन की सूचना नहीं देती है तो उसे टिकट के फुल रिफंड के साथ साथ कंपनसेशन भी देना होता है या फ्लाइट की अवधि के आधार पर 5,000, 7,000 या 10,000 हो सकता है। ऐसी खबरों में जुड़े रहने के लिए देखते रहें सुरमई टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ कुमुद मिश्रा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।